नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, प्रणाम आप सभी को। और माफी चाहता हूँ, हाथों से नमस्कार नहीं कर सकता क्योंकि राकेश भाई आपको दिखाएंगे कि हम कच्ची रोड में चल रहे हैं, वो भी गाड़ी की छत। तो इसलिए गाइस माफी चाहते हैं आपसे। और आज हम गाड़ी की छत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको गाड़ी के अंदर सीट नहीं मिली। और दूसरा, न जाने ये वादियाँ इसके बाद कब देखने को मिले, कितने महीनों बाद देखने को मिले, क्योंकि 2-3 दिन में हमने फिर चले जाना है। 2-3 दिन बाद हम चले जाएंगे और फिर घर की ये यादें हमको बहुत सताएंगी, मतलब बहुत याद आएंगी ये जो ये हसीन लम्हे हैं। हमने भी सोचा चलो कुछ नज़ारे लिए जाएं अपने चारों ओर गाएँ गाड़ी की छत से, ये ठंडी ठंडी हवा देखने को हमको कमी मिलेगी है। साथ ही दोस्तों, हम आज गए थे बाज़ार अपना जो सामान वामान लेने, और राकेश भाई गए थे अपनी पासबुक लेने जो उन्होंने ज्वाइंट करवाई थी। हाँ, और बाकी छोटा मोटा सामान तो सब कुछ लगभग आ चुका है और अब बाकी वहीं से मिलेगा, जो लेना होगा वहीं से लेंगे। अब बाकी वहीं से लेंगे और फिलहाल जिन लोगों का पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, और जो हमको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं वो भी दीजिए। है भाई, कमेंट कीजिए आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, कहाँ पड़ा है। और फिलहाल हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं, ठीक है, कि किस प्रकार की रोड में हम अभी चल रहे हैं। 2-3 दिन अगर आप एग्जाम रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। हाँ, राकेश भाई आपको बताएंगे, कमेंट में बताते हैं हम। तो फिलहाल अभी तो हम गाड़ी के छत में जा रहे हैं मनीष भाई के साथ, इन वादियों का नज़ारा लेते हुए। ये देखिए आप, रोड का नज़ारा दिखाइए, आप रोड का नज़ारा दिखाते हैं आपको आगे, ठीक है। इसको बैक कैमरे में दिखाते हैं आपको, पूरी कच्ची रोड है दोस्तों, ठीक है, इसको आगे दिखाते हैं आपको। और ये देखिए दोस्तों हमारी क्षेत्र की रोड के हाल, क्या बोले। ये पूरा गैरसैन है हमारे बगल का मार्केट, मतलब 12-13 किलोमीटर लगभग हमारे गांव से दूर पड़ता है ये। गैरसैन पल्ली तरफ है ये, थोड़ा हाँ कम दिख रहा है इसलिए कम दिखाई दे रहा है। और ये अभी रिखोली के ऊपर वाले साइड रोड पे चल रहे हैं हम, अभी पूरी कच्ची रोड है दोस्तों। यार इसका काम तो ये शायद स्वीकृत हो चुका है लेकिन अभी नहीं, तक इसका नहीं हुआ ऊपर वाली। हाँ, तो इस पे अभी काम नहीं चल रहा अभी लगभग। गाइस रोड तो हमारे यहाँ पक्की है, पर हमारे यहाँ क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट पड़ता है, 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है, जिस चक्कर में इधर से इन जंगलों का व्यू देखिए आप, ये पूरे रिखोली के जंगल है। अभी गाइस इसके बाद देखना धूल का डांडा, अभी तो धूल इतनी नहीं हो रही आगे पे क्योंकि वैसे मिट्टी है, अब देखना धूल कितनी होती है यहाँ पे से। तो दोस्तों, जिन भी दोस्तों का पेपर है कल परसों या फिर आने वाले कुछ दिनों में, उनको मैं कहूँगा कि एक बार रिवीजन में जो करंट का जीके है उसको पढ़ ले, क्योंकि जो मैंने अभी तक पेपर देखे उसमें करंट की जीके बहुत ज़्यादा आई है। जैसे करंट की जीके में उत्तराखंड से रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन है, गेम से रिलेटेड है और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो है मेन अपनी आपने जो तैयारी करी है उसमें एक बार जो मेन जीके है उसका भी आप अच्छे से रिवीजन करके जाना, और साथ ही आपको ऑल द बेस्ट जो कि आपका एग्ज़ाम है उसके लिए। और हड़बड़ी मत करना, एग्ज़ाम अच्छे से करना, रीचेक कर लेना एक बार। और 5-6 मिनट आप सबसे पहले आप अपने पेपर को ढंग से पढ़ना, सोच समझ के प्रश्नों का आंसर देना, ठीक है। सो गाइस पीछे देखिए यार, आप ये धूल देखिए आप नज़ारा, अब देखना। हाँ ये देखिए गाइस, ऐसी रोड है भाई हमारे यहाँ, ये देखिए पीछे से, मतलब बाइक वाला आएगा तो उसको दिखेगा भी नहीं कि आगे क्या रास्ता है। यही तो खूबसूरती है इन पहाड़ों की। और ये देखिए ऊंचे ऊंचे वृक्षों के बीच महिंद्रा मैक्स चलती हुई टॉप। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपने क्षेत्र का डिग्री कॉलेज दिखाएंगे। आपने देख लिया होगा कि देखिए यार गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया था। हमारे था और मनीष भाई को पता चल गया क्योंकि उनके साइड का जो नीचे वाला टायर था ना, पीछे वाला, मेरा सिक्स सेंस कंपन कर रहा था ऐसे, मतलब वो आवाज करने लग गया था। हमने हमारे साथ एक बार पहले ऐसा हो चुका था, तो हमने छत पे हमने डमडम किया तो ड्राइवर रुक गया, फिर देखा तो भाई पूरा टायर ही पंचर था भाई। अभी तो आपने देख लिया होगा आगे वीडियो क्लिप में, तो उसके बाद टायर चेंज किया और फिर से हम निकल चुके हैं आगे को डिग्री कॉलेज पहुँचने वाले हैं। उस कॉलेज में पहुँचने से पहले ही टायर पंचर हो गया था मनीष भाई। कॉलेज में तो पक्की रोड है, वहाँ नहीं होता, वहाँ तो नहीं होता, लेकिन इतनी कच्ची रोड है ना, टायर से तो पंचर हो गया। चलिए कोई नहीं, दिखाते हैं आपको आगे।
तो धूल में हम आगे निकलते हुए पहुंच चुके हैं डिग्री कॉलेज के बहुत ही नजदीक। आपका यहाँ से दिखता है मरोड़ा हो गया, ग्वाड़ हो गया, क्या सीन दिखता है। और ये देखिए आप गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल मनीष भाई बताएंगे कॉलेज के बारे में आपको। ये है गर्ल्स हॉस्टल, ये पिछले 3 साल से बन रहा है, अभी भी बना नहीं है पूरा, और उम्मीद करते जल्दी बन भी जाएगा। ऊपर है प्राचार्य आवास, ये है पक्की रोड जो जाती है रोड को, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाती है इसलिए शॉर्ट रास्ते आते हैं लोग। और यह तुम्हारा गर्ल्स हॉस्टल, क्या व्यू आ रहा भाई। और वो है कॉलेज, और फाइनली यहाँ से बिल्डिंगें बंदी रहती है, बच्चे नहीं आते। अभी भी देखिए कॉलेज का टाइम चल रहा है, पर एक बच्चा नहीं दिखेगा आपको कॉलेज में, क्योंकि ना अभी देखो बिल्डिंगें बनी, 1-2-3 बिल्डिंगें बन रही है, 3 बिल्डिंगें पहले से है, एक छात्रावास बना हुआ है, 5-6-7 बिल्डिंगें है, पर बच्चे नहीं है। साथ ही नीचे है बल्ली भैया की कैंटीन, अभी आपको बल्ली भैया की कैंटीन दिखाएंगे हम। हाँ फिलहाल कॉलेज का एक छोटा सा नज़ारा देखिए आप, प्यारा सा। ये है हमारे प्यारे, ये है कैंटीन साहब, और बल्ली भैया की वाइफ है भाभी जी, वाइफ हो बल्ली भैया की वाइफ है। ये है फाइनली यहाँ पर जेसीबी से काम चल रहा है आजकल, जेसीबी से खुदाई चल रही है। हाँ और ये देखिए ये है जी आपका गेट, ये मिट्टी का ढेर ऊपर हो रहा है भाई, काम जबरदस्त वाला। और एक बारिश आएगी पूरी मिट्टी रोड में, पूरी मिट्टी रोड में, और तब लगेगा यहाँ पर जाम, रोड ब्लॉक, गाड़ी नहीं थी, ब्लॉक हो जाएगी रोड ऊपर बन रही है। ये देखिए नई नई बिल्डिंग बढ़ रही है भाई, यहाँ 1 किलोमीटर फरकंडे फरकंडे घंडियाल की रोड पे, और चलाते हैं आपको दिखाते हैं। टक टक कमला बाडूली लगाए, पर्दे समूलो का बैघर बुलाए। तो गाइस ये देखिए यार नज़ारा देखिए, फिलहाल फरकंडे में पहुंचने वाले हम, मेरे सामने फरकंडे। हाँ। दिखाते हैं आपको कुछ देर में फरकंडे का नज़ारा, रोड से ज्यादा बेकार है। ओह माय गॉड, पहुंच चुके हैं हम फरकंडे की खूबसूरत हसीन वादियों के बीच में, और यहाँ पर एक मंदिर देखिए ऊपर, ये खुला आसमान, ये वादियाँ, ये हवाएं, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ऐसा ही हो। अरे दर तो 12 भी चल रही भाई, गाइस वहाँ पर 12 चल रही है भाई, चल रही कुछ और चल रहा है। हाँ जो भी चल रहा है, शादी या मुंडन के लिए संपर्क करें। और यहाँ पर ये पुस्ता भी लगा रखा है आजकल का, काफी अच्छा लग रहा है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, बस इतना ही खत्म। उस पहाड़ों का क्या कहना, ये 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का क्या कहना, के 12 महीने मौसम जाड़ों का। फिलहाल फरकंडे में हम पहुंच चुके हैं, और ये मल्ली फरकंडे है मनीष भाई, नीचे तल्ली फरकंडे, गेहूं भी पक के रेडी हो चुके हैं, देखिए आप अभी पके नहीं है, बस कुछ पकने वाले हैं, कुछ दिनों की कसर और फिर ये फसल तैयार यार है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सोना का मैना, और यह है सेरा गांव नीचे टावर, देखिए आप टावर। मैंने उसे इतना देखा कि जितना देखा जा सकता था, पर इन दो आंखों से और कितना देखा जा सकता था। आ हा हा हा।